हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल आरबीएमएससीएस में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ पर जो भी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हम आशा करते हैं कि वे सभी आप लोगों के लिए वरदान साबित होंगे और उससे आप लोगों को कामयाबी प्राप्त होगी। और इसलिए यदि ये सभी वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं तो आप सभी लोग इसे अपने भाइयों बहनों और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। और साथ ही इसे शेयर करने के साथ साथ आप लोग इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए जो वीडियो हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो अब हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आगे पुनः अपने विषय पर चर्चा करते हैं। देखो, इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 6.2 जो है समाप्त कर चुके हैं, और एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता चुके हैं, और आगे इसका क्वेश्चन नंबर टू देखें निकालें क्या दिया है। इसमें भी दिया है एक ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर टू देखें ध्यान से, फिगर पहले बना लें। फिगर में देखें क्या दिया है कि इसमें एंगल एक्स इक्वल दिया है 62 और एंगल एक्स वाई जेड इक्वल 54। यदि वाई ओ और जेड ओ ट्रायंगल एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समविभाजक हैं, तो कोण ओ जेड वाई और वाई ओ जेड का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लें। एक्सरसाइज है 6.3 और क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पहला क्वेश्चन इसका हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें, इसमें दिया है एक ट्रायंगल है, यानी एक त्रिभुज इसमें बना है एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, यह एक त्रिभुज बना है जिसमें यह कोण दिया है 62। यहां कह रहा है कि वाई को और जेड ओ, वाई ओ और जेड ओ एक क्रमशः एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समविभाजक हैं, यानी इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं, कोण को दो बराबर भागों में बांटते हैं। यहां देखें इस वाले एंगल का पूरा वैल्यू दिया है 54, पूरा 54 है। ठीक है, तो हमें ओ जेड वाई का मान बताना है, हमें यही बताना है कि एंगल ओ जेड वाई का मान कितना होगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, हमें क्या क्या पता है। दिया है कि एंगल वाई एक्स जेड, किताब में देखिए दिया है कोण यक्स, कोण यक्स बराबर दिया है 62। तो कोण यक्स क्या है, वाई एक्स जेड कहेंगे, चाहे जेड एक्स वाई, इसी को कोण यक्स भी कह सकते हैं, ये हमें मालूम है। ठीक है, और दिया है एंगल एक्स वाई जेड, यह दिया है 54। तो देखें यक्स वाई जेड यह है पूरा 54 है। ठीक है, तो पूरा 54 दिया है, तो इसको चाहे एंगल एक्स वाई हम जेड कहेंगे या केवल वाई कहेंगे। ठीक है, इस एंगल को हम केवल एक्स वाई जेड कहें चाहे केवल कोण वाई कहें, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब किताब में देखें, यहां दिया है किताब में देखें, यहां दिया है कि वाई को और जेड को
यह कोण वाई और कोण जेड का संधिभाजक है, अर्थात वाई को जो है यह जो 54 डिग्री का कोण वाई है इसको दो भागों में बांटता है, तो 54 का आधा क्या हुआ 27 27, ठीक है। और जो कोण ओ जेड है यह पूरे कोण जेड को, जितना यह कोण जेड होगा इसको दो बराबर भागों में बांटता है। और हमको पूछा है केवल ओ जेड वाई का मान बताना है, एंगल ओ जेड वाई इक्वल कितना होगा, यानी इतना हमको केवल बताना है। आगे बात समझ में, तो सबसे पहले क्या करते हैं देखें, कोण एक्स मालूम है यानी ऊपर वाला, और यह भी कोण मालूम है वाई भी मालूम है, हमको कोण जेड निकाल लेना है। हम जानते हैं कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यह हमें पता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। यहां लिख लें, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए एक कोण यक्ष है इस त्रिभुज यक्ष वाई जेड में, एक कोण यक्ष है, दूसरा कोण वाई है और तीसरा कोण जेड है, और इन तीनों कोणों का मान होगा 180, ये हमको पता है। अब यक्ष का मान तो दिया है 62, तो इस यक्ष की जगह पर लिखेंगे 62 प्लस एंगल वाई। देखिए हम अभी बताया कि एंगल वाई कहिए या यक्स वाई जेड कहिए, दोनों बराबर है, यही एंगल वाई का मान है, कितना है 54। अब प्लस एंगल जेड हमको नहीं पता है, इसी को हम पहले निकाल लेते हैं, तो इन दोनों को पहले ऐड कर लें, जोड़ लें, तो 4 2 6 और 6 5 11 116 हुआ, और प्लस कोण जेड बराबर 180। अब यहां पर अगर हम कोण जेड का मान निकालेंगे तो 180 माइनस 116, अर्थात यहां पर कोण जेड बराबर हो गया 10 में 6 गया 4 7 में से 1 गया 6 64 डिग्री। देखिए पूरा कोण या जेड हमारा, पूरा कोण जेड हमको मालूम हो गया 64, और ओ जेड वाई जो है उसी का आधा है, अर्धक है, क्योंकि ओ जेड रेखा जो है ओ जेड रेखा पूरे कोण जेड को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित मतलब दो समान भागों में विभाजित करती है, तो जब यहाँ यह दो समान भागों में यह रेखा विभाजित करती है तो हमें ओ जेड वाई का मान बताना है, जितना बड़ा ओ जेड वाई होगा उतना ही बड़ा ओ जेड एक्स भी होगा, तो हमको तो ओ जेड वाई का ही मान बताना है, इसलिए लिखेंगे कि या यहां ये भी लिख सकते हैं कि चूंकि ओ जेड रेखा कोण जेड को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, ये भी दिया गया है, ओ जेड रेखा कोण जेड को, कोण जेड का मतलब एक्स जेड वाई को समद्विभाजित करती है, तो जब इसको समद्विभाजित करती है तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कोण ओ जेड वाई का मान, इसलिए लिखेंगे कोण ओ जेड वाई बराबर, देखिए जितना कोण जेड का मान है उसी का आधा होगा ओ जेड वाई, ओ जेड वाई जो है इस पूरे कोण जेड का आधा होगा, क्योंकि ओ जेड रेखा जो है पूरे कोण जेड को दो समान भागों में विभाजित करती है, तो कोण ओ जेड वाई बराबर क्या होगा 64/2, 64 में 2 का भाग देंगे तो आएगा कितना 32 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार ध्यान दें, क्या दिया है और एक मान ज्ञात करना है, कोण वाई ओ जेड का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखें वाई ओ जेड का मान ज्ञात करना है, अब यहां से देखें वाई ओ जेड का मान भी अगर निकालना है, एक आंसर तो हमारा यहां पर निकल गया कि ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, अब वाई ओ जेड यानी यह वाला कोण ज्ञात करना है, तो हम फिर क्या करेंगे, त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ओ वाई जेड में हम तो अभी पढ़े हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180,
यहाँ पर ओ वाई जेड में कौन कौन तीन कोण है, इस कोण का मान है ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड प्लस इस कोण का मान अभी हम देखे हैं ओ जेड वाई निकाले हैं कोण ओ जेड वाई और प्लस इस कोण का नाम है वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड बराबर कितना हुआ 180। ठीक है, अब मान रहे देखिए केवल ओ वाई जेड एक कोण वाई का आधा है तो कोण वाई बराबर देखें यहां पर बताए थे 54 है। ठीक है, तो कोण वाई बराबर 54 है तो ओ वाई जेड का मान उसका आधा, या यही लिख सकते हैं एक कोण वाई है कोण वाई का मान है, यानी यहां लिख सकते हैं कोण ओ वाई जेड यानी ओ आई जेड का मान कितना हो जाएगा 54/2 और 54 में 2 का भाग देंगे तो 27 होगी। कहीं भी अपना ये आपको याद रहे, सीधे हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ओ वाई जेड की जगह पर क्या लिख देंगे 27, ओ जेड वाई की जगह पर देखें निकाले 32, यहां लिख देंगे 32 और वाई ओ जेड हमें ज्ञात करना है बराबर 180। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना होगा 59 प्लस एंगल वाई ओ जेड बराबर 180 या एंगल वाई ओ जेड बराबर 180 माइनस 59, इसमें एंगल वाई ओ जेड बराबर 180 में 59 को घटा देना है, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ 121 डिग्री। तो आंसर में हमारा दो आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे, एक आंसर एंगल ओ जेड वाई का मान 32 डिग्री और दूसरा एंगल वाई ओ जेड का मान 121 डिग्री। एक बार फिर से देख लें, क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन में दिया है एंगल एक्स बराबर 62 यानी एंगल एक्स बराबर कोण एक्स बराबर 62 डिग्री, कोण एक्स वाई जेड बराबर 54 डिग्री और किताब में दिया है यह रेखा जो वाई ओ है, वाई ओ दिख रहा है, ये जो रेखा वाई ओ है और ये जो रेखा ओ जेड है यह क्या करती है कोण वाई और कोण जेड को दो समान भागों में विभाजित करती है, अर्थात यह दोनों को समविभाजित करती है। तो यहां हमें कोण एक्स वाई जेड का मान मालूम है तो ओ वाई जेड इसका आधा होगा, ओ वाई जेड या पूरे कोण वाई का आधा होगा, तो ओ वाई जेड का मान 54/2 का भाग देंगे तो 27 डिग्री में यह मालूम होगा कि इतना जो दूरी है यह कोण 27 डिग्री का है। अब देखिए हमको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो पूरे त्रिभुज को लेते हैं त्रिभुज एक्स वाई जेड में पहला वाला जो हम लिए हैं ये पूरे त्रिभुज के लिए है, तो पूरे त्रिभुज में क्या हुआ एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड यानी कोण एक्स धन कोण वाई धन कोण जेड बराबर 180। अब कोण एक्स का मान यहां पर देखिए लिखा है 62 यहां रख दिए हैं, कोण वाई का मान तो कोण वाई का मान में पूरा मान दिया था 54 यहां 54 लिख दिए हैं और कोण जेड का मान यहां से निकाल लिए हैं, तो कोण जेड बराबर क्या निकला कोण जेड बराबर 64 डिग्री हमको मालूम हो गया। जब हमको कोण या पूरा जेड मालूम हो गया तो हमको मालूम है कि जो जेड ओ रेखा है या ओ जेड रेखा है या कोण जेड को दो समान भागों में विभाजित करती है तो ओ जेड वाई का निर्माण होता है, यही कोण बनता है ओ जेड वाई। हमको वही पूछा है क्या लिखे हैं कि ओ जेड रेखा कोण जेड को समविभाजित करती है, इसलिए कोण ओ जेड वाई बराबर 64/2 उसका आधा किए तो 32 डिग्री आ गया। अब आगे और पूछा क्या है कि वाई ओ जेड का मान बताइए, तो त्रिभुज हम ले लिए ओ वाई जेड या जो छोटा वाला त्रिभुज इसके बीच में बना है इसको ले लिया है, तो ओ वाई जेड में फिर इसमें भी वही कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो कौन कौन से कोण है ओ वाई जेड यह कोण है, दूसरा है ओ जेड वाई यह और वाई ओ जेड ये तीन कोण है, इन तीनों कोणों का मान जो 180 हुआ जिसमें ओ वाई जेड का मान हम यहां पर निकाल चुके हैं 32 यानी 32 डिग्री, ओ जेड वाई का मान है 32 डिग्री तो ओ जेड वाई की जगह पर 32 और ओ वाई जेड
ओ वाई जेड जो है यह कोण वाई का आधा है अर्थात 27 डिग्री। वाई ओ जेड का मान हमें ज्ञात करना है, तो इन दोनों को जोड़ा गया तो 59 हुआ। 59 धन वाई ओ जेड बराबर 180 अर्थात कोण वाई ओ जेड बराबर 180 में 59 को पक्षांतर करेंगे तो घटाएंगे यहां पर क्या हो जाएगा 121 डिग्री। तो यही हमारा दोनों आंसर प्राप्त। सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, थर्ड में दिया है आकृति 6.30। आकृति देखिए क्या दिया है, एबी और सीडी जो समांतर रेखाएं हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर थ्री में एबी और सीडी दो समांतर रेखाएं हैं और इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है इस तरह से समकोण त्रिभुज बना है जिसका ई एफ जी नाम है। यहाँ पर ई है, यहाँ पर एफ है और एफ जी है और यहाँ 90 का एंगल है। यही आकृति है 6.30। इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है कि ए बी और सी डी समांतर है, ये दिया है, दिया है कि ए बी समांतर सी डी यानी ए बी पैरेलल सी डी ये दिया गया किताब में। और क्या दिया है, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी यानी ई एफ लंब है सी डी पर। देखो यहां पर ई एफ जो रेखा खींची गई है यह ए बी पर क्या है, ई एफ लंब है सी डी पर। यहां अगर 90 का लंब है यानी 90 का कोण बनेगा तो रेखाएं लंब कहलाती हैं, ठीक है। जब दो रेखाएं आपस में इस प्रकार मिलती है कि उनके बीच का कोण 90 डिग्री हो तो वे रेखाएं एक दूसरे की लंबवत होती हैं, ठीक है। जब दो रेखाओं के द्वारा निर्मित कोण 90 डिग्री हो तो वे रेखाएं आपस में लंबवत कहलाती हैं, ठीक है। आगे समझिए, तो यहां देखिए जब 90 का यहां बनेगा तो ऊपर भी 90 बनेगा, यहां भी 90 ही बनेगा और यहां भी 90 ही बनेगा क्योंकि 90-90 तभी तो 180 होता है। अब यहां हमें देखिए निकालना क्या है, हमें बताना है एंगल ए जी ई, ए जी ई यह वाला एंगल बताना है, ठीक है। एक कोण बताना है ए जी ई, दूसरा बताना है जी ई एफ। देखिए जी ई एफ कहाँ है, जी ई एफ यहां पर, ठीक है, यह कोण बताना है। और तीसरा बताना है पी जी ई, पी जी ई एफ जी ई, एफ जी ई, एफ जी ई ए वाला एंगल बताना है। यही हमें तीन कोण ज्ञात करना है। ध्यान दे क्या क्या ज्ञात करना है, एक नंबर में यह ज्ञात करना है ए जी ई, दो नंबर में एफ ई जी चाहे जी ई एफ, दो नंबर में यह ज्ञात करना है और तीन नंबर में एफ जी ई या ई जी एफ ज्ञात करना है। यह तीन कोण हमें बताना है, ठीक है। और यही दिया है कि ए बी और सी डी समांतर हैं और ई एफ जो है लंब है सी डी पर, यह हमको पता है। यहां देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं प्रमेय में कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण समान होते हैं, ठीक है। तो एकांतर कोण क्या है, यहां पर और यहां पर जो कोण होते हैं वे बराबर होते हैं या यहां पर और यहां पर जो कोण होते हैं ये बराबर होते हैं, यही एकांतर कहलाते हैं। ये तो हम पहले बता चुके हैं। यहां देखिए जब एकांतर कोण बनेगा तो यह कितना दिया है और कुछ दिया है, इसी जी ई डी दिया है, देखिए जी ई डी दिया है 126 एंगल जी ई डी, ये भी दिया गया है, यहां नहीं लिखा गया, एंगल जी ई डी बराबर दिया है 126। जी ई डी देखिए क्या है, जी ई डी या यहां से लेकर के और यहां तक के पूरा कोण है जी ई डी। अगली बात समझो,
तो यहाँ हम क्या बताएं कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एकांतर कोण आपस में समान होते हैं, इसलिए यहाँ पर एंगल ए जी ई और एंगल जी ई डी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब चूंकि यहां लिखेंगे एंगल ए जी ई बराबर एंगल जी ई डी, क्यों बराबर होंगे? क्योंकि एकांतर कोण है, क्योंकि एकांतर कोण है, ठीक है। या हम जानते हैं कि दो, या ये भी लिख सकते हो कि प्रमेय से कि दो समांतर रेखाओं को त्रिज्या रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण समान होते हैं। अब ए जी ई बराबर जब जी डी है तो जी डी बराबर 126 है, इसलिए एंगल ए जी ई बराबर भी 126 होगा। एक हम ज्ञात कर चुके हैं ए जी ई, पहला हमने ज्ञात कर लिया। अब दूसरा देखो, देखो ए जी ई 126 है, आज जी ई डी जो 126 हो गया, तो जब 126 है तो यह वाला हमारा ई एफ ई डी तो हमारा 90 दिया है, तो हम इसको निकाल सकते हैं जी ई एफ का मान 126 में 90 घटा देंगे, जितना बचेगा ये दो कोण दो, यानी जी ई एफ का मान मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां लिखेंगे चूंकि एंगल जी ई डी बराबर 126, यह क्या है दिया गया है, ये दिया गया है। अब जी ई डी में कौन कौन सा कोण है, कोण जी ई एफ, जी डी की जगह पर लिख सकते हैं कोण जी ई एफ और प्लस कोण एफ ई डी, एफ ई डी बराबर 126। अब एफ ई डी का मान जो देखो क्या है, एफ ई डी ई एफ जो है सी डी पर लंबवत है, ई एफ जो है सी डी पर लंबवत है, अर्थात ये 90 डिग्री के अंदर है। यहां हम जी ई एफ का मान निकालेंगे, जी ई एफ प्लस एफ ई डी का मान यहां लिख देंगे 90 डिग्री बराबर 126, इसलिए एंगल जी ई एफ बराबर 126 में 90 यहां घटाएंगे तो एंगल जी ई एफ का मान हो जाएगा 6 × 6 और 12 में से 9 × 3 यानी 37 डिग्री। यह दूसरे कोण का मान जो जी ई एफ है चाहे एफ ई जी है, इसका मान हो गया हमारा 36 डिग्री। अब आगे देखें, एक और हमें बताना है ई जी एफ, यहां देखिए अभी हम लोग क्या देखे हैं कि यहां वाला हमारा मालूम हो गया, दो भी, एक भी मालूम हो गया, दो भी मालूम हो गया। अब यदि त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल से लेंगे तो भी निकाल सकते हैं कि यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल यानी 90 है, यह हमारा 36 है, तो 90 36 जोड़ करके अगर घटा देंगे तो ये 3 मालूम हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए जी ई और एंगल ई जी एफ दोनों क्या है, रैखिक युग्म है, ठीक है, यानी दोनों एक ही रेखा के अगल बगल है, इसलिए रैखिक युग्म है, तो इन दोनों कोणों का योगफल क्या होगा 180। तो देखें ना, इसी से निकाल देते हैं, यदि हम लिखें कि एंगल ए जी ई तथा एंगल ई जी एफ, ई जी एफ रैखिक युग्म है, तो रैखिक युग्म है तो क्या होगा, यहां पर एंगल ए जी ई प्लस एंगल ई जी एफ बराबर हो गया 180। यहां पर ए जी ई का मान यहां पर हम ज्ञात कर चुके हैं, दिया है ए जी ई यहां पर 126, इसकी जगह पर लिख देंगे 126 प्लस एंगल ई जी एफ बराबर 180, यानी यहां पर एंगल ई जी एफ बराबर 180 माइनस 126, इसको घटाएंगे हम तो एंगल ई जी एफ बराबर 10 × 6 = 4 और 7 × 2 = 5 यानी 54 डिग्री होगा। तो देखें आंसर हमें मालूम हुआ, क्या क्या मालूम हुआ,
पहला जो पूछा था ये आया है एजीई 126 डिग्री, दूसरा जीईएफ पूछा था जो हमारा आया है 36 डिग्री, और तीसरा पूछा एजीएफ, इसका मान आ रहा है 54 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बना है, इसमें दिया है पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि पी क्यू और आर एस, देखिए इस तरह से एक रेखा बनी हुई है, इसका नाम है आर एस, और यहां पर ऐसे एक रेखा बनी हुई है, इसका नाम है पी क्यू, ठीक है। पी क्यू और आर एस एक दूसरे को बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करते हैं, टी पर एक दूसरे को, ये पी क्यू रेखा है, ये आर एस रेखा है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को टी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, और प्रतिच्छेद कैसी करती हैं कि कोण पी आर टी 40 है, कोण पी आर टी यह वाला एंगल 40 दिया है, ठीक है, कोण आर पी टी 95, आर पी टी यह वाला कोण यहां पर 95 डिग्री है, और कोण टी एस क्यू 75 है, कोण टी एस क्यू यह वाला कोण दिया है 75 डिग्री, ठीक है, और पूछा है कोण एस क्यू टी, एस क्यू टी इसी कोण का मान हमें बताना है कि कोण एस क्यू टी बराबर क्या होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया है अभी, ठीक है ना, इसमें देखिए क्या दिया है, कोण आर पी टी दिया है, सब लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन, आर पी टी यहां पर है त्रिभुज है, यहां पर है टी क्यू एस चाहे एस पी एस क्यू टी, किसी भी तरह से हम इसका नामकरण ले सकते हैं, इसका उच्चारण निकाल सकते हैं। अब यहां देखिए किताब में पहले क्वेश्चन क्या कहा है, किताब में क्वेश्चन बता रहा है कि पी क्यू और आर एस दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, तो देखिए जब प्रतिच्छेद करती हैं तो हमको मालूम है कि ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर जो बने हुए आमने सामने के जो कोण होते हैं उन्हें हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं, हमको प्रमेय में पता है, ठीक है। अब यहां देखिए कितना आसान है कि पी आर टी एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के लिए हम जानते हैं कि हर सवाल में ही देखने लगा रहे हैं लोग कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसमें भी वही रूल है कि पी आर टी जब एक त्रिभुज है तो इस त्रिभुज पी आर टी के तीनों कोणों का योग क्या होगा 180, ठीक है, दो कोण हमको मालूम है, तीसरा कोण हमको यही ज्ञात कर लेना है, जब यह ज्ञात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा कि 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, 95 40 कितना हुआ 135, 180 में से 135 घटा देंगे तो देखिए यहां 180 में से 135 अगर घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, अर्थात यह कोण हो गया हमारा 45, यह हमको पता चल गया कि कोण आर टी पी का मान 45 डिग्री है, ठीक है। अब चूंकि ए पी टी आर और क्यू टी एस ये दोनों क्या होंगे शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए यह 45 है, तो ये भी क्या हो गया 45 हो गया, हमें ये भी निकाल लिए कि जब ये बराबर 45 दिया है यहां का शीर्षाभिमुख कोण है पी टी आर और एस टी क्यू, ये शीर्षाभिमुख कोण है, इन दोनों का मान 45 आ गया। और फिर त्रिभुज क्यू एस टी के लिए भी वही हम प्रमेय लागू करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यहां भी हमको फिर दो पता चल गया कि एक 45 एक 75 है, तो 75 5 80 और 40 120, यानी दोनों कोणों का योग 120 हुआ, तो तीसरा कोण क्या होगा 180 में 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री, यह भी कोण हमको पता चल गया, ठीक है। अब यह हम इसको यही रहने देते हैं, सभी लोग इसको अपने स्वयं लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम बता दिए क्या करना है, पहले स्टेप में क्या करना है
पहले स्टेप में सबसे पहले लिखेंगे जो किताब में दिया है। सवाल लगाते हैं तो सबसे पहले जो बुक में दिया है उसको नोट कर लेंगे। क्या नोट करना है कि पी क्यू और आर एस दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। और क्या जो जो दिया गया है बुक में उसको नोट कर लें कि कोण आर पी टी बराबर 95 डिग्री और कोण पी आर टी बराबर 40 डिग्री तथा कोण टी एस क्यू बराबर 75 डिग्री। ये हमको तीन दिया है इसको नोट कर लेंगे। फिर लिखेंगे त्रिभुज पी आर टी में, त्रिभुज पी आर टी में यानी हमको क्या लेना है कि तीनों कोणों का योग बराबर 180। तो कौन कौन तीन कोण है पी आर टी में, कोण टी पी आर। देखिए कोण का मान जो है चाहे हम इधर से पढ़ें या इधर से पढ़ें, लेकिन हमको यही याद रखना है कि जिस कोण को हम निर्देशित करना चाहते हैं, जिस कोण को हम लिखना चाहते हैं या दर्शाना चाहते हैं, वह कोण बीच में होना चाहिए, उसका नाम बीच में आना चाहिए। ठीक है, बस यही हमको ध्यान रखना है। तो आर पी टी कहे चाहे टी पी आर कहे, तो इस त्रिभुज में क्या लेंगे, एक कोण हो गया टी पी आर प्लस कोण पी आर टी प्लस कोण पी टी आर बराबर 180। दो कोण हमको मालूम है, दो का मान रख देंगे, जोड़ेंगे 135 होगा, 180 में से घटा देंगे तो पी टी आर का मान मालूम हो गया 45। ये हमको मालूम हो गया पी टी आर का मान। अब जब हमें पी टी आर का मान मालूम हो गया तो एस टी क्यू बराबर भी होगा 45। क्यों होगा, क्योंकि पी टी आर और एस टी क्यू ये दोनों क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण है। नीचे लिख सकते हैं आप कि कोण पी टी आर और कोण क्यू टी एस चाहे एस टी क्यू दोनों शीर्ष अभिमुख कोण है, इसलिए कोण एस टी क्यू बराबर भी 45 डिग्री। फिर क्या लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए त्रिभुज एस क्यू टी में तीनों कोणों का नाम लिख देना है, कोण टी एस क्यू धन कोण एस क्यू टी धन कोण एस टी क्यू बराबर 180। ठीक है, और इससे हम फिर इसका मान निकाल देंगे, 60 डिग्री याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग अपने करेंगे, अगर नहीं आता है तो फिर बताएंगे हम, फिर उसको हल करके दिखा देंगे। तो क्वेश्चन 4 को करना है। अब हम क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 क्या है, इसमें दिया है एक आकृति बनी है, रेखा मिली है, यह नाम है एस आर और इस रेखा पर टी है, यह हमारा कोण है 65 डिग्री, यहां नाम है पी क्यू, पी और क्यू, यहां पर पी क्यू है और यहां एस क्यू को मिलाया गया है और इस कोण का नाम है एस, नीचे वाला दिया है 28 और यहां वाला दिया है वाई। ठीक है, अब किताब में देखिए क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है पी क्यू लंब है पी एस पर, पी क्यू लंब है पी एस पर, ये जो पी क्यू रेखा है ये पी एस पर लंब है, यानी पी क्यू पी एस ये दोनों लंब है, इसीलिए यहां पर कोण क्यू पी एस कहिए चाहे एस पी क्यू कहिए दोनों इस कोण का मान कितना है 90 डिग्री। जब ऐसा है इसलिए कोण एस पी क्यू बराबर है हमारा 90 डिग्री, ये दिया गया है। अब आगे देखिए क्या दिया है, पी क्यू, अब दिया है चूंकि पी क्यू समांतर है ऐसा, पी क्यू समांतर ऐसा, देखें पी क्यू और एस आर समांतर,
और QS रेखा इसको क्या करती है, प्रक्षेपित करती है। ठीक है, जब ये समांतर है और QS रेखा इसको प्रक्षेपित करेगी, तो प्रक्षेपित करेगी तो यह अक्ष वाला कोण और इधर वाला जो कोण है QSR, इसका भी कोई अक्ष ही आएगा। जब ये अक्ष है तो भी अक्ष आएगा। ठीक है, ये भी हमको मालूम है। आगे देखिए क्या दिया है, कोण SQR 28 है, SQR एक कोण दिया 28 डिग्री और कोण QRT दिया 65, कोण QRT दिया या दिया 65, और हमें ज्ञात करना है X और Y का मान बताना है, इस X का मान बताना है और इस Y का मान बताना है। तो ध्यान दे सब लोग, कैसे बताएंगे, जो जो दिया है पर ये लिख लेते हैं। PQ समांतर ऐसा ये भी दे दिया है, और क्या दिया है, कोण SQR, कोण SQR का मान दिया है 28 डिग्री और कोण QRT का मान दिया है 65 डिग्री, ये दिया है 65 डिग्री, और अब हमें X और Y का मान बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लिखते हैं, जैसे इसी को अगर मान लिया रेखा अगर आगे तक थोड़ी बढ़ा दी जाए, इस रेखा को हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो PQ रेखा और SR रेखा आपस में क्या है, समांतर है, दिया गया है, और QR रेखा इसको क्या करती है, प्रक्षेपित करती है। तो ये कोण और यह कोण एकांतर कोण होंगे और दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, मालूम है ना। वही चीज लिखेंगे और लिखेंगे, देखें आप PQ और समांतर SR दिया गया है और QR रेखा इसको जब प्रतिच्छेद करती है तो यहां पर क्या होगा, कोण PQR, कोण चूंकि कोण PQR अब बराबर होगा कोण QRT, ये क्यों बराबर होगा, यहां लिख देंगे चूंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण क्यों बराबर हुआ लिख दिए, ध्यान देना है। ठीक है, एकांतर कोण है, PQR और QRT ये दोनों एकांतर कोण है। अब PQR में देखिए दो कोण है, PQR में यहां पर पूरा अगर दो कोण है, एक तो X है और दूसरा है 28। ठीक है, यहां PQR की जगह पर हम लिख सकते हैं X प्लस 28 अब बराबर QRT, QRT का मान यहां दिया गया है 65 डिग्री है, इसको 65 डिग्री देना है। अब इसलिए यहां पर X बराबर हो गया 65 माइनस 28, यानी X का वैल्यू आ गया 15 में से 8 गया 7 और 5 में से 2 गया 3, 15 में से 8 गया 7 यहां 5 में से 5 में 2 गया 3, यानी 37 डिग्री। देखिए एक X का मान हमको पता चल गया, ये हमारा कितना है 37 डिग्री है। अब क्या करना है, यह X मालूम हो गया, देखिए तो ये भी X हमारा पता चल गया, लेकिन हमको तो अब Y का मान ज्ञात करना है। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज PSQ को ले लेते हैं, तो त्रिभुज PSQ में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। यहां देखिए कोण यह वाला 90 हमको मालूम है, यह वाला वाई है, ये वाला एक्स है, तो हम यहां लिख सकते हैं PSQ में एक्स धन वाई धन 90 बराबर 180। ठीक है, एक्स धन वाई धन 90, PQS को लिए हैं, केवल PQS का नाम भी आप लोग लिख सकते हैं कि कोण QPS धन PSQ धन PQS ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर मान ऐसे रखना है, तो यह कोण एक्स है, यह कोण वाई है, यह कोण 90 है, यह धन वाई धन 90 बराबर इतना। अब यहां पर क्या करना है, एक्स का मान रख दीजिए, एक्स का मान कितना दिया है 37 प्लस वाई प्लस 90 इक्वल 180, यहां कर देते हैं इस बार। अब इस दोनों को जोड़ेंगे, 90 37 को जोड़ दीजिए तो वाई धन और 90 37 को जोड़ेंगे तो 9 3 12 127 हो गया, 127 बराबर 180, अर्थात यहां पर वाई बराबर 180 माइनस 127, यानी वाई बराबर हमको मालूम हो गया 10 में से 7 गया 3 और 7 में से 2 गया 5, यानी 53 डिग्री।
तो आंसर में क्या आया हमारा, आंसर हम बता सकते हैं कि एक्स बराबर हमको प्राप्त हो गया 37 डिग्री और वाई बराबर हो गया 53 डिग्री, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन को फिर से देखने, देखिए कितना आसान है, कोई ज्यादा नहीं है सवाल, कोई बड़ा नहीं है, केवल देखने में बड़ा लग रहा था, ठीक है, सवाल बहुत छोटा है केवल देखने में बड़ा लग रहा था। इसमें दिया क्या है कि पी क्यू और एस आर, यहाँ पर पी क्यू और एस आर दो समांतर रेखाएं ये दी गई है। अब क्या कह रहा है कि कोण क्यू पी एस का मान यहाँ 90 है और कोण एस क्यू आर का मान यहाँ पर 28 है, कोण क्यू आर टी का मान यहाँ 65 है, जो दिया है हम पहले लिख लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ हमको क्या मालूम है कि जब पी क्यू और एस आर समांतर रेखा है और क्यू आर रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है तो यह यहाँ का कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा, अर्थात कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर टी, पी क्यू आर कोण क्यू आर टी दोनों आपस में समान होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों एकांतर कोण है। अब पी क्यू आर में कौन कौन से कोण है, एक्स धन 28, देखिए पी क्यू आर इधर एक्स 28 दोनों उसी में बटा हुआ है, ठीक है। तो एक्स धन 28 बराबर 65, यानी एक्स बराबर 65 में से 28 इधर आके घट जाएगा अर्थात 37 डिग्री। अब त्रिभुज पी एस क्यू ए वाले त्रिभुज को ले लिए हैं क्योंकि एक्स है वाई है 90, एक्स का मान तो निकाल चुके हैं, तो आसान हो गया, दो कोण मालूम हो गया त्रिभुज का, त्रिभुज में जब दो कोण मालूम हो गया तो तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्या किए हैं पी एस क्यू में एक्स धन वाई धन 90, एक्स धन वाई धन 90 बराबर 180 अर्थात एक्स का मान 37 यहाँ पर निकाल चुके हैं प्लस वाई प्लस 90 बराबर 180। यहाँ के बाद देखें फिर यहाँ आ गए हैं वाई, केवल हमको मान निकालना है 90 37 को जोड़ेंगे 127 बराबर 180, 180 में 127 घटाएंगे 53, तो यह हमारा x का मान है और यह y का वैल्यू है, ठीक है। आ गया होगा सबको समझ में।